जूस मैं सुबह रोज़ युवराज के लिए बनाती थी बिरला हाउस में जब थी, तो मुझे याद नहीं था और मैंने किचन में जाके वही काम शुरू कर दिया। फिर मुझे अचानक से याद आया कि मैं तो अपने घर पे हूँ, तो बस उसी जूस की याद में खो गई। अब वो जूस किसको देने वाली है सुहानी? किसी को नहीं, खुद पी जाऊंगी। आई थिंक पीछे से रोहन आ गया, आपने तो थोड़ा चेहरा वगैरह कर रहे हैं, मांग रहे हैं, लेकिन मैंने उन्हें जूस नहीं दिया क्योंकि मैंने सिर्फ युवराज के लिए बनाया था। मुझे पता नहीं मैं क्या करूंगी उसका, लेकिन मैंने फिलहाल रोहन को तो नहीं दिया। ओके, ये तो काफी कंफ्यूजिंग चल रहा है। युवराज कभी कभी लगता है ना ट्रैक आगे बढ़ जाएगा, साथ में आप लोग का प्यार आगे बढ़ जाएगा, फिर ऐसे हो जाता है, क्या चल रहा है? पता होता तो ऐसे चलता ही क्यों, सुहानी को अगर पता होता तो पता नहीं, सब चीज़ें ठीक होती होती, फिर अचानक से कुछ हो जाता है, क्या कर सकते, अभी मैं क्या बताऊँ इसे। ओके, अब क्या कुछ करने वाली है सुहानी? काफ़ी गुस्से में लग रही है, पर कुछ करेगी रिश्ता बचाने के लिए? पता नहीं, रिश्ता बचाने होता तो घर छोड़ के नहीं आती, रिश्ता तोड़ना है शायद, इसीलिए घर वापस आ गई है और इस बार बहुत दृढ़ निश्चय के साथ आई है। तब तो कोई चमत्कार ही होगा जिससे रिश्ता बचेगा, वरना मेरी तरफ से तो रिश्ता टूट गया। युवानी फैंस काफ़ी डिसअपॉइंट हो जाएंगे ये जो ट्रैक आ रहा है उससे, तो क्या कहें? नहीं, हमेशा प्यार प्यार एक साथ, कभी कभी जो दूर रहने का गम और जुदाई होता है वो भी देखने में अच्छा फील होता है, तकलीफ, तो ऐसा कुछ नहीं है, युवानी का प्यार हमेशा रहेगा, हमेशा। थकी हूँ आज। थैंक यू।